नमस्ते, मैं हूं देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कैसे रिकॉर्डिंग करें। फिलहाल मैं एक होटल के रूम में बैठा हूं, मेरा माइक है सेनहाइजर का MK4, मेरे पास एक ऑडियो इंटरफेस है टैस्कैम US 4x4, इसे मैंने कनेक्ट कर रखा है। होटल का रूम है, बेसिक रूम है, यहाँ पर कोई भी वॉल ट्रीटमेंट नहीं हो रखी, बिल्कुल बेसिक एक रूम है। एक रूम में एक सोफ़ा पड़ा है, एक बेड पड़ा है और कुछ चीज़ें पड़ी हैं। तो आप देख सकते हैं MK4 की क्वालिटी क्या होती है, काफ़ी हद तक आपको ड्राई ही सुन रही होगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ गए ऑडियो सेटिंग्स, यहाँ मैंने FL Studio ASIO लिया हुआ है। जब भी हम कोई भी ऑडियो इंटरफेस लेते हैं तो उसके अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं, M-Track, M-Audio, Focusrite, ये मेरे अलग अलग स्टूडेंट्स के हैं। जब आते हैं तो सबसे पहले मेरे पास ट्राई करवाते हैं, वो चलते हैं, बढ़िया है, ठीक है। ये वेव साउंड ग्रिड वगैरह का हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है। तो फिलहाल मैंने टैस्कैम लगा रखा है, यहाँ से मैंने इसको माइक्रोफोन दे दिया है, स्पीकर्स भी से आउटपुट ले ली है। 256 बफर साइज़ वगैरह क्या चीज़ है हम आगे जाके पढ़ेंगे। 6 ms इज़ दी लेटेंसी, लेटेंसी भी क्या चीज़ है मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। फिलहाल आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसे मैंने काटा। जब भी मैंने किसी गाने की रिकॉर्डिंग करनी है, दो ही तरीके हैं। पहले है कि गाना बन रखा हो, म्यूज़िक बन रखा हो, मैंने कान में लगाया, उसे सुना और साथ साथ में गाता गया। दूसरा तरीका यह है कि मैंने पहले रिकॉर्डिंग करनी है और बाद में गाना बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, मैं जाऊँगा टेम्पो पे, राइट क्लिक, टैप, और कुछ भी मेलोडी जो मुझे रिकॉर्ड करनी है, लेट्स से ना 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 130। फिर मैंने मेट्रोनोम ऑन किया, पैटर्न 1, इस पर क्लिक किया, यहाँ गया, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, चलिए FL कीज ही ले लेते हैं, बेसिक पियानो है, राइट क्लिक, पियानो रोल, ना 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 ना, निचले ऑक्टेव से मैच करते हैं, ना 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 ना, की मैच हो गई, मुझे पता लग गया, ठीक है। ये है मेरी जी, कैसे, दो काले का पहला सी, तीन काले का पहला एफ, जो मैंने आपको बताया था एफ का अगला वाइट हुआ जी, 1 2 3 4, सुनते हैं, इजी। यहां क्लिक किया, ये मैं आगे तक ले गया। अब मैं गया मिक्सर पे, याद रखिए जब भी आपने रिकॉर्डिंग करनी है मास्टर चैनल पर यहाँ सिलेक्शन नहीं करनी माइक की, हम किसी भी एक अंदर चैनल में जाएंगे, मिक्सिंग चैनल पे, मैं कोई भी चैनल ले लेता हूँ, लेट्स से नंबर 12। यहाँ हम देखेंगे ये इनपुट मांग रहा है, फिलहाल कह रहा है नन, इस पर क्लिक किया, ये यहाँ बता रहा है इंसर्ट 1, यहाँ पर आपने कोई माइक लगाया है, मैंने कहा 1 पे लगा रखा है, क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहां क्लिक किया। एडिसन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिसन में मैं नहीं करूंगा, सब भूल जाइए, क्लिक ऑन एवरीथिंग, प्ले का बटन दबाएंगे, स्पीकर ऑफ कर देंगे, डबल डबल आवाज आ रही है क्योंकि साउंड लीक हो रही है, हेडफोन लगाएंगे कानों में और टेम्पो के हिसाब से सुनते हुए रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल, रिकॉर्ड का बटन मैंने ऑन कर रखा है, प्ले दबाया, क्लिक, नन, और माइक मेरा हो गया ऑफ। ये प्ले पॉज जो है स्पेस बार से भी कर सकते हैं हम, रिकॉर्डिंग का बटन मैंने वापस कर दिया ऑफ। ये जो आप ऊपर एक बटन देख रहे हैं 3-2, ये आपका बताता है, अगर आप यहां भी पढ़ें, काउंट डाउन बिफोर रिकॉर्डिंग, 3-2-1 गो, ये वो बताता है। तो अगर ये ऑन करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले ये आपको 4 क्लिक देगा, 1-2-3 गो, टंग डंग 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 डंग, उसके बाद ये चीज शुरू होगी। आइए सुनते हैं हमने क्या रिकॉर्ड किया है। फिलहाल इसे हम करते हैं बंद, ना 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 ने, हल्की सी लेटेंसी मुझे लग रही है, यहां देखें, ना 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 ने ना
ना ना ने ना ने ना 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 ने ना ने ना 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 ने ना ने ना। इसे किया डबल क्लिक, किसी भी चैनल में गए, 22 नंबर में चले गए, इस पर क्लिक किया, यहाँ जाके आप लगाएंगे रिवर्ब, डिले वगैरह कुछ भी, यहाँ से वॉल्यूम वगैरह आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस नॉब से आप इसकी पिच वगैरह ऊपर या नीचे कर सकते हैं। जब इसकी पिच आप ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ देखेंगे सेंट, सेंट मतलब एक सेमी टोन, 100 सेंट मतलब एक नोट ऊपर, 200 सेंट मतलब दो नोट ऊपर, मैंने पूरा फुल खींच दिया है, वहां देख रहे हैं आप 1200 सेंट्स ऊपर, यानी कि पूरा एक ऑक्टेव आगे। सुनते हैं, पूरे का पूरा किया नीचे तो एक ऑक्टेव पीछे चला गया। तो ये मोटी आवाज बहुत सारे गानों में आपने सुनी होगी, जो इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, ड्रॉप दैट, ये वो, ये इस तरह से ही बनाए होते हैं। आगे जाके हम इस तरह के वोकल इफेक्ट्स के बारे में कंप्लीट बात करेंगे, तब भी हम पिचिंग की बात करेंगे। फिलहाल आपको पता लग गया है रिकॉर्डिंग किस तरह से की जाती है। ये जो चीज़ थी ये मैंने सिर्फ स्केल और टेम्पो के लिए ली थी, ये मैंने अब हटा दूंगा, अब मेरे पास सिर्फ वोकल रह जाएंगे, अब इसके हिसाब से मैं बाकी म्यूज़िक बनाऊंगा। यहाँ कोई कोई इंट्रो आ जाएगी, उसके बाद कुछ वर्स आ जाएगा, कुछ कोरस लगा देंगे, कुछ कर देंगे, बीच में फिट होता रहेगा। एक लेक्चर में अगला या उसके अगला बनाऊंगा म्यूज़िक प्रोडक्शन का ही, कि किस तरह से हम ओवरऑल म्यूज़िक बना सकते हैं। उसमें मैं लाइव ही 1-1.5-2 मिनट का म्यूज़िक कुछ बनाऊंगा और आपको पता लग जाएगा किस तरह की चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं। तो चलिए, आपको पता लग गया है रिकॉर्डिंग बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, यहाँ गए किसी भी चैनल में गए, वहाँ से माइक को कॉल कर लिया, ये 3-2-1-GO वाला ऑन है, इसको ऑन किया, एवरीथिंग पे क्लिक कर दिया। एवरीथिंग पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, प्ले को दबाएंगे रिकॉर्डिंग शुरू, इसको बंद करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ, मेट्रोनोम ऑन करेंगे तो साथ क्लिक आती रहेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दे फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट, नमस्ते।